हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का यह हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोग को ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें बता रखी है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमने ये सारे नोट्स बनाए हुए हैं, जिससे कि आप सभी को हेल्प मिल सके। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर उनको इंग्लिश से कोई जो वर्ड होंगे वो समझ में नहीं आता होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। यहाँ तक हमने बता दिया है नेपोलियन तक। तो आगे हम लोग अभी समझेंगे नेपोलियन के बाद, यानी कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ से हम आगे समझने जा रहे हैं। इसके पहले वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है, समझना होगा तो जाके देख सकते हो और समझ सकते हो, ताकि यहाँ से आपको और आगे की चीज़ें समझ में आ सके। बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ों को हमने समझाया हुआ है और नोट्स को बनाया हुआ है। चलिए इसके बाद आगे हम समझते हैं। सो, हम इससे पहले ऊपर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियोज़ में, कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था 1789 में। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर 1789 से पहले क्या हुआ होगा। सो, इसमें दिया गया है कि यूरोप हैड नो नेशन स्टेट इन द मिड ऑफ द 18th century, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। 18th century के मिड में कहने का क्या मतलब हो गया कि 1750 से आप समझ लो वही 1789 तक, ठीक है, क्योंकि 1789 के बाद तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है मिड 18th century का, यानी कि 1750 के बाद का। तो यूरोप में उस टाइम कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया हुआ है कि एक अपना कोई भी एक लैंग्वेज नहीं था, अपना कोई एक हिस्ट्री नहीं था, अपना कोई भी एक ट्रेडिशन नहीं था, कल्चर नहीं था, इसी को हम नेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो उस समय जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आज की देशों की तरह नहीं थे। जैसे आज जैसे आप इटली को देख रहे हो, जर्मनी को देख रहे हो, स्विट्जरलैंड को देख रहे हो, पहले वैसा नहीं था। वो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे और उन क्षेत्रों में जो राजा थे वो शासन कर रहे थे, ठीक है। जैसे कोई एक जगह का, कोई मान के चलो एक जगह क्षेत्र का अलग राजा है, दूसरे क्षेत्र में अलग राजा है, तीसरे क्षेत्र में अलग राजा है, ठीक है। सिटीज़ एक हैं, बट उसमें से बहुत सारे राजा जो थे वो रूल कर रहे थे। जैसे अब यहाँ पे आपको फिगर में भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप जो प्रूसिया देख रहे हो, ये पहले एक जर्मनी, अभी के समय में ये जर्मनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑस्ट्रियन एम्पायर, यहाँ पे देखो ये सब सारे यहाँ पे जो भी राजा थे वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, जो कि आज ये ऑस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज के समय में जो आप इटली या फिर जर्मनी और स्विट्जरलैंड को देख रहे हो, ये पहले के समय में वैसा नहीं था, ठीक है। इसमें आगे दिया गया है कि द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रिया हंगरी में रूल कर रहा था, यानी शासन कर रहा था, यानी कि इस वाले जगह पे यहाँ पे वो शासन कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर में। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि रीजन्स वेयर हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड एंड लैंग्वेज, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजन थे जहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहे थे, और वहाँ पर कौन कौन से लैंग्वेजेस बोले जाते थे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वहाँ पे नेशन स्टेट नहीं था, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो अलग अलग यहाँ पे हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे जैसे रीजन, कुछ रीजन दिया गया है, टायरोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बोहेमिया, तो इन सब में जर्मन भाषा बोला जाता था, ठीक है। आगे यहाँ पे फिर कुछ रीजन्स दिए गए हैं, जैसे कि लोम्बार्डी, वेनेटिया, इसमें इटालियन बोला जाता था। हंगरी में मैगार या फिर डायलेक्ट्स बोला जाता, गैलिसिया में पोलिश बोला जाता था। तो ये सब कुछ अलग अलग क्षेत्र थे जहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर इस पर जो है रूल कर रहे थे, और यहाँ पे वे सब सारी भाषाएँ बोली जाती थी, ठीक है। सो, इस तरह से हम कह सकते थे कि वहाँ पे कोई भी एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं था उन लोग के बीच में। जैसे कि भाषा का हम बात किए कि अपना कोई भी एक कॉमन भाषा नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक का भाषा सेम है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, अलग अलग उनके कल्चर हैं, अलग अलग उनकी हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं, उनमें कुछ भी चीज़ कॉमन आइडेंटिटी नहीं था, यानी कि नेशन स्टेट नहीं था। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन इमर्ज। तो किस तरह से ये जो नेशनलिज्म का ये जो आइडिया है,
ये इमर्ज हुआ यानी कि उभरा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें वहाँ के समाज के बारे में और वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे कि आखिर उस जगह पे जो नेशनलिज्म का जो ये आइडिया है वो कैसे उभरा, कैसे वहाँ पे नेशनलिज्म का आइडिया आया और कैसे वो फिर एक नेशन स्टेट बनाए। सो दिया गया आगे कि उस समय जो सोसाइटी थी वहाँ पे वो तीन भागों में बटी हुई थी। एक तो दिया गया है यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, दूसरा दिया गया है पीजेंट्स और तीसरा दिया गया है मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी कौन थे? तो एरिस्टोक्रेसी कौन थे? तो ये जो हायर क्लासेस के लोग थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिच पीपुल थे, तो उनको एरिस्टोक्रेसी बोला गया है। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि ये बहुत कम संख्या में थे लेकिन पावरफुल थे। जो एरिस्टोक्रेसी थे वो कम संख्या में थे लेकिन पावरफुल थे। जैसे आज के समय में अगर हम एरिस्टोक्रेसी का बात करें, जैसे कि आप आईएएस को समझ सकते हो कि आईएएस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर एक पावर होती है, खुद से सारी चीज़ें वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी इसी तरह से जो थे हायर क्लासेस के थे और वो खुद से सारे डिसीजन को ले सकते थे, मतलब एक अमीर घर के जो व्यक्ति होंगे जो खुद से सारे डिसीजन को ले सकते हैं और वो कंट्रोल करके रखते होंगे जनता को, दैट इज़ एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि वो कम ग्रुप में थे। आगे दिया गया है दे हैड ए लॉट ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, बहुत सारे पैसे थे यानी संपत्ति थे। दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज, अच्छा देखो वो ना फ्रेंच लैंग्वेज जो थे उस समय के जो अमीर व्यक्ति थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। जैसे अभी के समय में आप इंडिया का बात करो तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन बना दिया गया है इंग्लिश को, इंग्लिश को बोला गया है कि जैसे हम कहते भी ऐसा कि इंग्लिश बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो अमीर होता है, ऐसा हमें सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। तो उस समय जो वहाँ पे यूरोप में जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज को एक अमीरों की भाषा माना जाता था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता था कि हाई सोसाइटी के यहाँ पे लोग हैं, जैसे जिस सोसाइटी में इंग्लिश बोला जाती है अभी हम कैसे कहते हैं कि वो हाई सोसाइटी है, तो उसी तरह से उस जगह पे पहले फ्रेंच लैंग्वेज चलता था तो उस समय वो बोला जाता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो हाई सोसाइटी के लोग हैं। एंड आगे दिया गया है देयर फैमिली मैरिज विद सेम सोसाइटी, यानी कि अपनी सोसाइटी से ही उनकी जो फैमिली मैरिज थी वो होती थी। अब कहने का मतलब क्या, जैसे अलग अलग उसमें जो क्षेत्र में बटे हुए थे तो जिस क्षेत्र में जो भी वहाँ पे उनको अपने जैसा मतलब अमीर व्यक्ति मिलेगा उसके साथ ही वे शादी कराएंगे, ठीक है। जाति धर्म उनको नहीं देखना है, उनको सिर्फ ये देखना है कि वो एरिस्टोक्रेसी है या नहीं, यानी कि अमीर है या फिर नहीं है, ठीक है। रिच फैमिली से और हायर क्लास से वो बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो यहाँ पे डिवाइड हुआ था वो पीजेंट्स से है। तो पीजेंट्स कौन थे? तो वो गरीब किसान थे जिनकी मेजोरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे दो चीज़ दी गई है, इसको अच्छे से समझना, कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप था, ठीक है, जैसे इधर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो इस पार्ट का जो भी यूरोप था तो उसमें दिया गया है कि द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स, सॉरी फार्म्ड, यहाँ पे दिया गया है द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के जो वहाँ पे किसान थे तो वहाँ पे वो जो खेती करते थे तो टेनेंट्स कहते खेती करते थे। कहने मतलब क्या हो गया कि उन्होंने किसी से किराए पे लिया, देन वहाँ पे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे हिंदी में वही चीज़ दी गई है, ज़मीन किराए पे लेके वो खुद खेती करते थे, ठीक है। किसी से ज़मीन किराए पे ले लिया, वहाँ पे हमने खेती करना शुरू कर दिया और उसके जो भी मालिक हैं हम खुद हैं, ऑनर हम वहाँ के खुद हैं। आगे इसमें दिया गया है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था उसमें पीजेंट्स फार्म्ड लाइक सर्वेंट अंडर एरिस्टोक्रेसी। देखो यहाँ पे ना जुल्म हो रहा था ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोप में, ठीक है। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में किसानों के साथ जुल्म हो रहा था, कैसा जुल्म हो रहा था भाई? तो देखो यहाँ पे जो किसान थे वो खेती करते थे एक नौकर की तरह अंडर एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया, जैसे कि जो अमीर व्यक्ति थे उनके अंडर में जो किसान लोग थे वो खेती करते थे एक नौकर की तरह, इसके लिए उनको पैसा भी नहीं दिया जाता था कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने पीजेंट्स के बारे में समझ लिया, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट यहाँ पे आगे हम लोग समझेंगे मिडिल क्लास लोगों के बारे में। तो इनका बहुत बड़ा मेन रोल रहा है नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसको लाने में और एक नेशन स्टेट बनाने में, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास के लोग। तो लिखा गया कि आफ्टर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
एंड ट्रेड, ट्रेड यानी कि व्यापार। जैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड के ग्रोथ होने से जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो अब ज़्यादा निकलने शुरू हुए, यानी ज़्यादा वो इमरजेंस होने शुरू हुए। पहले जिनकी संख्याएं कम थी वो अब ज़्यादा धीरे धीरे होने लगी। आगे दिया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन 1750। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो औद्योगिकीकरण है वो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में 1750 में, ठीक है। तो वहाँ से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो शुरू हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ होनी शुरू हुई धीरे धीरे। ओके, आगे है, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट्स ड्यूरिंग 19th century। देखो यहाँ पे इंग्लैंड में तो शुरू 1750 में ही हो गई थी, लेकिन फ्रांस में या फिर जर्मन स्टेट्स के कुछ हिस्सों में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये 19th century में लगभग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है कि जो मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से पीपल शामिल होते हैं, तो उसमें से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वर्क कर रहे थे, देन कुछ डॉक्टर्स थे, क्लर्क्स थे, टीचर्स थे, बिजनेसमैन थे, तो ये सब सारे प्रोफेशनल हो गए, ठीक है। तो प्रोफेशनल में आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, डॉक्टर को, क्लर्क्स को और टीचर्स को, बिजनेसमैन तो अलग हो गया और इंडस्ट्रियलिस्ट अलग हो गया, ठीक है। तो ये सब सारे यहाँ पे कुछ मिडिल क्लास के मेंबर्स थे, ठीक है। ये लोग मिडिल क्लास में कहलाते थे, ना तो इनके पास बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी के जैसा पैसा था, ना ही ये पीजेंट्स के जैसे गरीब थे, ठीक है। देन आगे लिखा गया है कि मिडिल क्लास के लोग अब पैसा कमाने लगे और धीरे धीरे शिक्षित होने लगे। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ होने से जो मिडिल क्लास के लोग थे वो अब धीरे धीरे पैसे कमाने शुरू कर दिए, और अब उनके पास जब पैसा आ गया तो धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद देन वो शिक्षित हुए। देन आगे दिया गया है, शिक्षित होने के कारण अब उनमें नेशनल यूनिटी की भावना आने लगी। देखो यहाँ से जो चेंजेस थे वो होने शुरू हुए, नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो आना शुरू हुआ। जैसे ही अब वे पैसा कमाए, पैसा कमाने के बाद वे शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो पढ़े लिखे होने के बाद अब उनमें नेशनल यूनिटी की भावना आने लगी। नेशनल यूनिटी कहने का क्या मतलब हो गया कि जो राजा अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में राज कर रहे थे, तो उनका कहना था कि इनको हटाया जाए, राजाओं को हटाया जाए और इनको हटा के एक नेशन स्टेट बनाया जाए जिसमें सबका एक कॉमन भाषा होगा, कॉमन कल्चर होगा, कॉमन ट्रेडिशन होगा, कॉमन इतिहास होगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है नेशनल यूनिटी, तो इसकी भावना अब उनमें धीरे धीरे आने लगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो हम लोग का टॉपिक आता है वो है लिबरल नेशनलिज्म, तो इसके बारे में हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम आगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। सो ये लिबरलिज्म वर्ड लैटिन भाषा के लीवर से लिया गया था, जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि आज़ाद होना। अगर हम मिडिल क्लास लोगों का बात करें तो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो लिबरलिज्म का मतलब है वो क्या होता है, आगे इसको पढ़ेंगे। देन पॉलिटिक्स के अनुसार लिबरलिज्म का क्या मीनिंग होगा, इकोनॉमिक के अनुसार लिबरलिज्म का क्या मीनिंग होगा, तो ये सब सारी चीज़ें अभी हम आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब हो गया, तो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए आज़ादी। एंड आगे दिया गया है, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के नज़र में हर कोई बराबर होने चाहिए। सो लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिल क्लास लोगों के अनुसार एक तो हर व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए, दूसरा कि कानून के नज़र में हर कोई समान होगा, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, हर किसी के लिए कानून सेम होगा। देन आगे दिया गया है, अब पॉलिटिक्स के अनुसार लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, तो इसके बारे में दिया गया है कि गवर्नमेंट विथ पीपल एग्रीमेंट। इसमें गवर्नमेंट विथ पीपल एग्रीमेंट को हम सीधा सीधा मतलब हम डेमोक्रेसी को लेकर समझ सकते हैं कि जनता के अनुसार शासन चलना चाहिए। जनता जिसको वोट करेगी, ठीक है, इलेक्शन होगा, वोट किया जाएगा, वोटिंग करने के बाद जो जीतेगा वही शासन करेगा, मतलब वही जो सरकार है वो चलाएगा, सत्ता वही चलाएगा। तो इसमें सीधा सीधा बात डेमोक्रेसी का किया जा रहा है कि जनता के अनुसार शासन किया जाना चाहिए, पॉलिटिक्स के अनुसार लिबरलिज्म का ये मतलब हो गया। देन आगे लिखा गया है कि आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अगर हम लिबरलिज्म के बारे में समझे तो क्या होता है, तो इसमें दिया गया है
एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का एंड होना कहने मतलब क्या है कि जो राजा शासन कर रहे थे तो वो अब नहीं चलना चाहिए, यही होता है। और क्लेरिकल प्रिविलेजेस, क्लेरिकल प्रिविलेजेस का क्या मतलब हो गया कि जैसे जन्म के आधार पे या फिर खानदान के आधार पे बहुत सारे अधिकार मिलते थे, तो उन अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। जैसे आईएएस का बेटा आईएएससी बनेगा, या फिर हमने कहीं से नौकरी प्राप्त कर ली, जैसे रेलवे में हमने नौकरी प्राप्त कर लिया तो मेरा बेटा हुआ तो वो भी नौकरी करेगा रेलवे में। तो इस तरह के एक अधिकार उस समय हुआ करते थे जन्म के आधार पे। तो जो जन्म के आधार पे या फिर खानदान के आधार पे जो एक अधिकार मिले हुए थे, उन अधिकारों को ख़त्म किया जाना चाहिए था, ठीक है। वही एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया गया है कि जैसे जो खानदान के आधार पर कोई अगर अमीर खानदान के लोग थे तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, या फिर ज़मींदार का बेटा ज़मींदार ही बनेगा। सो यहाँ तक आपको समझ में अब आ चुका होगा। नेक्स्ट आगे दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि संविधान और संसद होना चाहिए जो जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को ही ये चलानी चाहिए, यानी कि जनता जिसको चाहे उसको वोटिंग करके जिताएगी और वही ये जो संविधान है या फिर ये जो संसद है वो चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया गया है इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लॉ को तोड़ ना सके। हो सकता है कि एक कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कोई एक लॉ बनाया गया हो, कोई एक अंपायर आया, देन उस लॉ को वो तोड़ दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो लॉ है वो तोड़ा ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया गया है अब इकोनॉमिक स्फेयर के अनुसार लिबरलिज्म का क्या मतलब होगा। हमने अभी तक पॉलिटिक्स के अनुसार समझा। सो इसमें दिया गया फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी कि मार्केट में छूट होनी चाहिए। जैसे अगर कोई सामान बेचने जाए तो उसमें टैक्स नहीं देना पड़े। आगे दिया गया है द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, यानी कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे तो एक तो हमें टैक्स ना देना पड़े, दूसरा कि हो सकता है कि बार बार चेकिंग वगैरह भी होता हो तो किसी भी तरह का चेकिंग नहीं हो। इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंपल वे में कि किसी भी तरह का अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। लिबरलिज्म का इकोनॉमिक स्फीयर के अनुसार ये मतलब हो गया, ठीक है। अब देखो एक ड्रॉबैक है, एक कमी था लिबरलिज्म में, या फिर हम प्रॉब्लम भी इसको कह सकते हैं। अभी तक हमने लिबरलिज्म में हर जगह इक्वालिटी की ही बात सुनी, लेकिन एक जगह ऐसा था जहाँ पे इक्वालिटी का बात नहीं किया गया, और वो था यूनिवर्सल सफरेज पे। इसको आप सफरेज भी बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है राइट टू वोट, यानी कि वोटिंग के मामले में जो लिबरलिज्म था वो इक्वालिटी को नहीं दिखाता था, नहीं दर्शाता था। अब कहने का क्या मतलब हो गया कि वोटिंग सिर्फ वही लोग देख सकते थे लिबरलिज्म के अनुसार भी जो टैक्स पे करते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो, जो सिर्फ आदमी हो। औरत को तो वहाँ पे कोई दर्जा ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। और औरत के बारे में ये भी उस समय कहना था कि उनके बारे में जो भी डिसीजन है वो सिर्फ उनके पिता और या फिर उनके हस्बैंड ही ले सकते हैं, कि उनके जो शादी है पिता ही ले कर सोच सकते हैं कि उनके कहाँ कहाँ पे करवानी है, या फिर औरत को कहाँ जाना है या फिर नहीं जाना है, तो इसका डिसीजन उनके हस्बैंड ही ले सकते हैं, तो कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब औरत को उतना वैल्यू उस समय नहीं दिया जाता था। दे हैव प्रॉपर्टी, उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ कहना था लिबरलिज्म के अनुसार, ओके। तो ये एक ड्रॉबैक था, एक कमी आप बोल सकते हो, या फिर एक प्रॉब्लम भी आप बोल सकते थे लिबरलिज्म के। बाकी ऊपर में आप हमने जितनी भी चीज़ें देखी सारे वो इक्वालिटी को दिखाता था। अब देखो आगे यहाँ से जो आपकी कहानी शुरू होगी ना, वो 1832 के बाद जब नेपोलियन का शासन नहीं था उस समय हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। 1832 के बाद जब नेपोलियन, ऐसे हम लोग समझे हुए हैं कि 1815 में ही नेपोलियन जो था वो हट गया था, इससे पहले वाले वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे जो अभी स्टोरी हम समझेंगे 1832 के बाद समझेंगे, ठीक है। हम ऐसे पढ़ रहे थे 1789 के पहले, लेकिन देखो हम अभी कहाँ पहुँच गए हैं, 1832 में। तो इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान में रखना है। देन आगे हम अभी समझेंगे ये भी कि किस तरह से नेपोलियन को हटाया गया, कौन ऐसा आया होगा जो नेपोलियन को हटा दिया था, जो कि फ्रांस में रूल कर रहे थे, वहाँ पे हम अभी पहुँचेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम
यहाँ पे और चीज़ों को समझ लेते हैं, जिससे कि हमें ये अच्छे से समझ में आए कि नेशनलिज्म का आइडिया, जिस हम तो यहाँ तक खैर समझ चुके हैं कि किस तरह से आया, नेशन स्टेट किस तरह से बन रहा है, आगे हम यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद फिर नेपोलियन किस तरह से हटा है वो जानेंगे। सो यहाँ पे दिया गया है कि सिचुएशंस इन द जर्मन स्पीकिंग एरियाज, यानी कि जिन इलाकों में जर्मन भाषा बोली जाती थी, ऊपर मैंने आप लोग को बताया भी था, दिखाया भी था हैब्सबर्ग एम्पायर वाला, उसमें किन किन जगहों पे जर्मन भाषा बोला जाता था, तो उन इलाकों की क्या परिस्थिति थी, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो आगे इसमें दिया गया है कि व्हेन नेपोलियन केम इन फ्रांस दे क्रिएट ए ग्रुप ऑफ 39 स्टेट्स, जब नेपोलियन फ्रांस में आए थे तो उस समय उन्होंने 39 स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। इसको बुक में दिया गया है कॉन्फेडरेशन, जिसको हम हिंदी में महासंघ भी कहते हैं, या फिर आप इसको एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ग्रुप लिखा है, सिंपल वर्ड हमने लिखने का कोशिश किया है। सो जब नेपोलियन फ्रांस आए थे तो उन्होंने 39 स्टेट का एक ग्रुप क्रिएट किया था, जैसे कि अभी मैंने आप लोग बताया कि यहाँ पे हम 1832 के बाद पढ़ेंगे, तो नेपोलियन का जो राज है अभी यहाँ पे आप नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे हम नेपोलियन के बारे में समझेंगे, फिलहाल यहाँ पे आप नेपोलियन के बाद जो चीज़ें हुई है उसको समझने वाले हैं। सो उस समय क्या हुआ था, जब नेपोलियन आए हुए थे और जब आके उन्होंने 39 स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया था, द करेंसी वेट्स एंड मेजर्स ऑफ ऑल दीज स्टेट्स वॉज डिफरेंट, यानी कि जो करेंसी थी वो 39 स्टेट्स में अलग अलग थी, बिल्कुल इसी तरह से जो वेट्स और मेजर्स थे वो भी 39 स्टेट्स में अलग अलग ही थे, ठीक है। अब किस तरह से अलग अलग थे आगे मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आगे दिया गया है कि ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833, एक यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया गया है कि मान के चलो कोई एक व्यापारी है जो 1833 में हैमबर्ग से न्यूरबर्ग में किसी सामान को बेचने के लिए जा रहा है, तो उसको 11 बैरियर को पार करने पड़ते थे, और जिस बैरियर को वो पार कर रहा है, ठीक है, हर बैरियर के लिए उसको 5% टैक्स देना पड़ता था। सो यहाँ पे अगर इस जगह से इस जगह तक इसको अगर आने हैं तो इनको 11 बैरियर पार करने पड़ेंगे, और इनको हर बैरियर पार करने के लिए देखो 5% टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो 11 बैरियर पार करने के लिए सोचो कि इन्हें 55 रुपया का सिर्फ टैक्स ही देना पड़ा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये कितना जो था मुश्किल भरा दिन होगा उन बिजनेसमैन के लिए। आगे दिया गया फॉर्मेशन ऑफ जॉलवरिन, तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जॉलवराइन का फॉर्मेशन हुआ। सो 1834 में एक कस्टम यूनियन का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम जॉलवराइन रखा गया, और इसको बनाया कौन था, तो इसको क्रिएट किया था प्रुशिया ने, देन इसके बाद जर्मन स्टेट्स के बहुत सारे लोग भी इसको ज्वाइन किए थे। अच्छा, इसका क्या रिजल्ट हुआ, तो जो ट्रेड बैरियर था उसको एबोलिस्ट कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया, जो टैक्स बिजनेसमैन को देने पड़ते थे 11 बैरियर को पार करने के लिए उस चीज़ को हटाया गया, अब उनको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट आगे दिया गया है रिड्यूस्ड नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 to 2, हमने देखा था कि अलग अलग स्टेट्स में जो 39 स्टेट्स बनाए हुए थे तो वहाँ पे अलग अलग करेंसीज चलती थी, तो उनमें से देखा जाए तो जो नंबर ऑफ करेंसीज थी वो 30 से 2 कर दिया गया, ठीक है, 30 से सिर्फ 2 ही करेंसी कर दिया गया। आगे है द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज, यानी कि बहुत सारे रेलवेज बिछाए गए, ठीक है, तो जिससे कि जो भी ट्रेड वगैरह है, बिजनेस वगैरह है, वो अच्छे से वो कर सके। सो ये यहाँ पे हमने फॉर्मेशन ऑफ जॉलवराइन के बारे में पढ़ लिया है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह से नेपोलियन जो रूल कर रहे थे तो वो किस तरह से वो फ्रांस से फिर उनको जाना पड़ा, यानी कि वो उनकी जो शासन थी वो ख़त्म हुई थी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, थैंक यू, बाय बाय।